गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप लोग बुक पेंसिल इरेजर बैग से बाहर निकाल लीजिए। आप लोगों ने निकाल लिया? चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास कौन सा आपका? क्लास एलकेजी है। और सब्जेक्ट क्या है आपका? मैथ। तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बुक में कुछ होमवर्क दिया गया था, उम्मीद है सभी बच्चों ने बनाया होगा। चलिए मैं आज बता देती हूँ, आप लोग मैच कर लेंगे आप लोगों ने सही बनाया या गलत। तो आप लोग पेज नंबर 60 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 60। चैप्टर कितना था? 39। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को दो लाइन बता दिया था और एक लाइन आप लोगों को खुद से घर पे होमवर्क में बनाना था। आप लोगों ने बनाया होगा, फिर मैं बता देती हूँ, आप लोग मैच कर लेंगे। ओके, चलिए चैप्टर नेम क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन था आपका सब्ट्रैक्ट बाय ड्राइंग लाइंस। सब्ट्रैक्ट बाय ड्राइंग लाइंस। ओके, थर्ड लाइन से मैं बता रही हूँ, आप लोग मैच कीजिएगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है 69 माइनस 21। ओके, नाइन किस प्लेस पे? नाइन का कौन सा प्लेस है? तो वंस प्लेस पे है नाइन, और सिक्स कौन से प्लेस पे है? तो टेंस प्लेस पे है, आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अपर डिजिट क्या है? नाइन है, नाइन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या करते हैं, लोअर डिजिट यानी इसके नीचे वाले को कैंसिल करते हैं। तो वन है, तो वन लाइन कैंसिल कर लेंगे। देखिए कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग को नीचे यहाँ लिखना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइंस बचे हुए, तो इसे हम लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे। चलिए वंस प्लेस का तो काम हो गया, अब हम लोग टेंस प्लेस के लिए, टेंस प्लेस में भी टेंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अपर डिजिट कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन ड्रॉ हो गया। और कितना माइनस करना है? 2 लाइन कैंसिल करना है। तो देखिए 1 2, ये लाइन कैंसिल हो गए, रिमेनिंग लाइंस कितने हैं? तो 1 2 3 4, 4 लाइन रिमेनिंग है, जिसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 माइनस 43। देखिए 5 का कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस है, राइट साइड वाला वंस प्लेस होता है, दाहिने ओर वाला, और इससे पहले जो होगा वो टेंस प्लेस होगा। तो वंस प्लेस के अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करना है। तो अपर डिजिट कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5, 5 लाइन ड्रॉ हो गया। और लोअर डिजिट को माइनस करना है, कैंसिल करना है। तो 3 है, तो 3 लाइन कैंसिल कर लेंगे। 1 2 3, रिमेनिंग लाइंस को नीचे लिखना है। 1 2,
टू लाइन रिमेनिंग है, जैसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, टेंस प्लेस का अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सेवन है तो सेवन लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7। कैंसिल कितना करना है, तो फोर लाइन्स। तो देखिए 1 2 3 4, फोर लाइन कैंसिल हो गया, रिमेनिंग लाइन्स को नीचे लिखना है। तो 1 2 3, थ्री लाइन रिमेनिंग है, जिसे हम लोग यहाँ क्या करेंगे लिख लेंगे। चलिए लास्ट है 53 माइनस 31। तो देखिए 3 कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, और 5 टेंस प्लेस पे है। तो 1 प्लेस का अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। 3 है तो 1 2 3, 3 लाइन हो गया, और कैंसिल करेंगे 1, तो 1 लाइन कैंसिल हो गया, कितने बच गया 1 2, 2 लाइंस बचे हुए हैं, नीचे 2 लिख लेंगे। यहाँ टेंस प्लेस का अपर डिजिट कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, कैंसिल हमें कितना करना है, 3 लाइंस, 1 2 3 लाइंस कैंसिल हो गए, रिमेनिंग लाइन कितने, 1 2, 2 लाइन रिमेनिंग है, जिसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ओके, ये आपका लास्ट लाइन का 3 क्वेश्चन है, इसे आप लोग मैच कर लीजिए, और जिनसे नहीं बना था वो उन्होंने समझ लिया होगा, तो फिर इसे नोट कर लीजिए और क्लियर क्लियर लाइन ड्रॉ कीजिएगा। आप लोगों ने मैच कर लिया तो आप लोगों का पेज नंबर 60 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को क्या बनाना है। पेज नंबर 61, पेज नंबर कितना है 61 है। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सेम है, सब्ट्रैक्ट बाय ड्रॉइंग लाइंस। जो आपका क्वेश्चन ए था वही आपका क्वेश्चन बी है। क्या क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट बाय ड्रॉइंग लाइंस। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 69 माइनस 57। यहाँ देखिए 9 कौन सा प्लेस है, 9 का 1 प्लेस और 6 का टेंस प्लेस है। तो 1 प्लेस का अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 9 लाइन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैंसिल कितना लाइन करना है, 7 लाइन कैंसिल करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, रिमेनिंग लाइन कितने हैं, तो 1 2, यहाँ क्या लिख लेंगे 2। अब टेंस प्लेस का अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ 6 है, 1 2 3 4 5 6, कैंसिल कितना लाइन करना है, 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5, रिमेनिंग कितने बच गए 1, तो 1 यहाँ रिमेनिंग लाइन को क्या करेंगे, नीचे लिखना बचे हुए लाइन को। ओके, नेक्स्ट है 75 माइनस 20। 5 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस, और 7 टेंस प्लेस। देखिए 1 प्लेस का अपर डिजिट कितना है, 5 है, तो 5 लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5,
कैंसिल कितना करना है, जीरो लाइन, एक भी लाइन आपको कैंसिल नहीं करना, जीरो मीन्स कुछ भी नहीं करना, तो आप लोग डायरेक्ट वैसे ही छोड़ दोगे, इसमें कुछ कैंसिल नहीं करना क्योंकि जीरो है। तो रिमेनिंग कितने बचाएंगे, तो जो जितना टोटल बच जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए 7 है, तो 7 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। कैंसिल कितना लाइन करना है, तो 2 लाइन कैंसिल करना है, तो देखिए 1 2 ये कैंसिल हो गए, रिमेनिंग लाइंस है 1 2 3 4 5 लाइंस रिमेनिंग है, जिसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 माइनस 15। 48 माइनस 15, 48 में से हमें 15 माइनस करना है, तो 8 कौन से प्लेस पे, 1 प्लेस पे और 4 टेंथ प्लेस पे। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1 प्लेस के लिए, फिर हम लोग करेंगे टेंथ प्लेस के लिए। 1 प्लेस पे देखिए 8 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन ड्रॉ हो गया। माइनस कितना करना है, 5, 1 2 3 4 5 लाइन हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, रिमेनिंग लाइन्स है 1 2 3, इसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब टेंथ प्लेस पे देखिए 4 है, तो 1 2 3 4 अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ कर ली और लोअर डिजिट को कैंसिल करेंगे, 1 लाइन है तो 1 लाइन कैंसिल कर देंगे, 1 2 3, 3 लाइन बचे हुए हैं तो 3 नीचे लिख लेंगे। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, पेज नंबर 61 है आपका। 69 माइनस 57, 75 माइनस 20 एंड नीचे है 48 माइनस 15। इसे आप लोग पहले नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया, इसे मैं इरेज कर रही हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 माइनस 26। 9 वंस प्लेस पे है और 4 टेंस प्लेस पे। सबसे पहले वंस प्लेस का अपर डिजिट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन ड्रॉ हो गए। लोअर डिजिट को कैंसिल करेंगे, 6 है तो 1 2 3 4 5 6, रिमेनिंग कितने, 1 2 3, 3 लाइन रिमेनिंग है, जिसे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ देखिए 4 है, तो 4 लाइन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और हम लोगों को कैंसिल कितना लाइन करना है, 2 लाइन, तो 1 2 2 लाइन कैंसिल हो गए। देखिए बचे हुए कितने लाइन है, 1 2 2 लाइन बचे हुए, जिसे हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट है 38 में से 21 माइनस करना है। 8 वंस प्लेस पे है और 3 टेंस प्लेस पे है। लाइन ड्रॉ करेंगे, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कैंसिल कितना करना है, 1 लाइन, तो 1 लाइन कैंसिल कर दिए, रिमेनिंग कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइंस रिमेनिंग थे, इसे हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ 3 है तो 1 2 3 और कैंसिल 2 लाइन करना है, 1 2, कितने बच गया, 1, 1 लाइन बचे हुए, तो इसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 माइनस 35। 6 हो गया आपका वंस प्लेस पे और 9 हो गया टेंस प्लेस पे। सबसे पहले क्या करेंगे, वंस प्लेस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन हो गया ड्रॉ और कैंसिल कितना करना है, 5 लाइंस, देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइंस कैंसिल हो गए, कितने लाइन बचे हुए, 1 लाइन, तो हम लोग नीचे 1 को नीचे लिख लेंगे। और यहाँ देखिए अब टेंथ प्लेस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैंसिल कितना करना है, 3 लाइंस, तो 1 2 3 ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग लाइन को क्या करना है, नीचे लिखना है काउंट करके, तो 1 2 3 4 5 6,
सिक्स लाइन रिमेनिंग है, इसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। तो चलिए आपका ये भी लाइन हो चुका है, सेकंड लाइन 49 माइनस 26, 38 माइनस 21 और नीचे ये वाला है आपका 96 माइनस 35। इसे आप लोग नोट कर ले पहले। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आपका दो लाइन हो चुका है पेज नंबर 61 में और बाकी के दो लाइन आपको होमवर्क में बनाने। ओके, ये दोनों लाइन आपको खुद से ट्राई करना है घर पे, होमवर्क में बनाना। नहीं बनेगा मैं फिर बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, और बन जाए तो फिर आप लोग मैच कर लेंगे आप लोगों ने सही बनाई या नहीं। फिर आज का क्लास हमारा यही एंड होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।